जोधपुर में 3 घंटे हंगामे के बाद फिर वोटिंग शुरू। 6 बजे के बाद मतदान होने पर उग्र हुए भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जोधपुर सूरसागर विधानसभा क्षेत्र नगर निगम उत्तर के वार्ड 21 में नगर निगम उप कार्यालय के बाहर चुनाव बूथ पर शाम 6 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रही तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर वोटिंग रुकवा दी। आरोप लगाया कि कुछ वोटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के खिलाफ वोटिंग कराई जा रही है। ऐसे में 3 घंटे जमकर हंगामा हुआ और वोटिंग रुकी रही। प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात 9:28 पर भारी पुलिस सुरक्षा में फिर से वोटिंग शुरू हुई। मामला चांदपुर बिजली घर स्थित पोलिंग बूथ का है। लोगों का आरोप है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद भी वोटिंग चल रही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और बूथ के बाहर धरना दे दिया। पोलिंग नहीं रुकी तो लोगों ने हंगामा कर दिया। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, 3 घंटे वार्ता चली। विरोध बढ़ता देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग बूथ पर जुट गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद IAS मीनाक्षी लेगा, DCP ईस्ट अमृता दोहन, ACP ईस्ट नाजिम अली, ACP वेस्ट चंचल मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक 3 घंटे तक बूथ में दोनों प्रत्याशियों से पुलिस के आला अधिकारियों ने बातचीत की। इसके बाद रात 9:28 से वोटिंग फिर से शुरू की गई। रात 10:20 तक पोलिंग पार्टियों मतपेटी लेकर रवाना हुई। तब तक दोनों पक्षों के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ और पुलिस मौजूद रही। DCP अमृता दोहन ने बताया कि बूथ पर 6 बजे तक आने वाले प्रत्याशियों का वीडियो लिया गया है, उस वीडियो को देखकर ही वोट डलवाया जाएगा। 3 घंटे के गतिरोध के बाद वोटिंग शुरू हुई। करीब 50 लोग वोटिंग लाइन में खड़े थे। चांदपोल स्थित बूथ पर 6 बजे के बाद भी बूथ के बाहर वोटर की लंबी कतार थी। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और पोलिंग बूथ का गेट बंद करने को कहा। बूथ के अंदर रहने वालों को वोटिंग करवा कर वोटिंग बंद करने को कहा, लेकिन 6 बजे के बाद भी वोटिंग शुरू रही। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बूथ के बाहर विशेष समाज के वोटर्स की लंबी कतार थी, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर वोटिंग कराई गई। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ के बाहर ही धरना दे दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल पहुंचा। बूथ के बाहर वोटर्स भी वोट देने के लिए अड़े रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।